आज मैंने बनाया है प्याज का और हरी मिर्च का अचार। ये अचार जितने जल्दी बनता है उससे भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और खाने के टेस्ट को आपके 10 गुना बढ़ा देगा। और बनाना ये इतना आसान है कि बस 5 से 7 मिनट में ये अचार बनकर तैयार हो जाएगा खाने के लिए। ज़्यादातर अचार को बहुत टाइम लगता है बनने में और पकने में, तो ये अचार बड़ा ही इंस्टेंट बन जाता है। इसे आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, या फिर आप इसे पूड़ी के साथ, भटूरों के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे, आपके खाने के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। तो यहाँ पर इस अचार को बनाने के लिए मैंने 3 प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसे धो के अच्छे से पपड़े से पोंछ के, मतलब सूख जाए, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। और इसे हमने ऐसे पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। और 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, इसे भी धोकर सुखाकर, और इसे हमने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। तो मिर्च जो है ना वो ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, मतलब नॉर्मल वाली मिर्च है। आप तीखा खाते हैं तो तीखी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाएंगे थोड़े से स्पाइसेस, थोड़ा सा, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच रेगुलर वाला नमक, आधा चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, और डाल दिया है इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर। तो बस इतने ही मसाले जाएंगे। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे इसमें सौंफ का पाउडर भी डाल दिया है। सौंफ का पाउडर ज़्यादातर अचार में ढलता ही है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेते हैं प्याज और हरी मिर्च के साथ, और बस ये रेसिपी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें हम डाल देते हैं खटास के लिए तकरीबन 2 चम्मच के आसपास विनेगर। तो वाइट वाला विनेगर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी विनेगर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विनेगर नहीं खाते हैं तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, आमचूर भी डाल सकते हैं, या आप थोड़ा सा इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। पर इमली के पल्प से थोड़ा सा अचार जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसमें नींबू का रस या विनेगर का ही इस्तेमाल करें। तो बस यहाँ पर एक तड़का पैन में मैंने डाल दिया है 3 चम्मच सरसों का तेल, और इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच सरसों, काली वाली सरसों मैंने यहाँ पर यूज़ की है, आप पीली वाली सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डाल दिया है आधा चम्मच कलौंजी, जो अनियन सीड्स आते हैं वो इसमें डाल दिया है, और 1/4 चम्मच के आसपास मैंने इसमें डाल दिया है तिल। तो तिल डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इस अचार में तिल बहुत ही अच्छे लगते हैं। 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने हींग डाल दी है। तो बस सारे मसालों को अच्छे तरीके से तेल में पका लेते हैं 1 मिनट के लिए। मसाले जलने नहीं चाहिए, और ये तेल अभी गरम गरम ही हम प्याज और हरी मिर्च में डाल देंगे। तो बस गैस का फ्लेम बंद करते हैं और चलते हैं अपने अचार की तरफ। तो यहाँ पर अचार को सारा अच्छे से मिक्स करके रख लिया है, और इस तेल को हम इसमें डाल देते हैं। तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर अचार जो है ना वो सरसों के तेल में अच्छा बनता है। तो बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं, और देखिए बातों बातों में ही रेडी हो गया हमारा ये इंस्टेंट अचार। ये एक बार ही आप बना लेंगे तो आपको ये अचार रोज़ बनाना पड़ेगा, मतलब सैलेड का भी काम करता है और अचार का भी काम करता है। इतना अच्छा इसका टेस्ट है कि बस हर टाइम आपका मन करेगा पराठे के साथ बस यही अचार मिल जाए। तो आप भी इस अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।